Welcome to the exam preparation mock test GK and GS competition exam important question. सवाल नंबर एक 16 नवंबर को हर साल मनाया जाने वाला सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस साल पहली बार मनाया गया था? ए 1992, बी 2000, सी 1997, डी 2003, उत्तर सी 1997। सवाल नंबर दो, हाल में ही भारत सरकार ने अरविंद विरमानी किस आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया? ए महिला आयोग, बी मानव अधिकार आयोग, सी वित्त आयोग, डी नीति आयोग। उत्तर डी नीति आयोग। सवाल नंबर तीन, हाल में ही लग्जरी कॉस्मेटिक्स फर्म एस्टी लॉडर ने फैशन ब्रांड टॉम फोर्ड का कितने बिलियन डॉलर में खरीदने का ऐलान किया? ए $1.80 billion, बी $2.80 billion, सी $2 billion, डी $3.80 billion, उत्तर बी $2.80 billion। सवाल नंबर चार, हाल में ही भारत के किस राज्य ने शहीद व स्वतंत्रता सेनानिया के नाम पर सरकारी स्कूल का नाम रखने का ऐलान किया? ए पंजाब ने, बी उत्तर प्रदेश ने, सी गुजरात ने, डी हरियाणा ने। उत्तर पंजाब ने। सवाल नंबर पाँच, हाल में ही टॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता कृष्णा बाबू जी का कितने साल की उम्र में निधन हो गया? ए 80 साल, बी 70 साल, सी 84 साल, डी 88 साल। उत्तर 80 साल। सवाल नंबर छह, हाल में ही नतासा पेर्स मूसा का किस यूरोपीय देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया? ए चेक गणराज्य, बी स्लोवेनिया, सी जर्मनी, डी ग्रीस, उत्तर बी स्लोवेनिया। सवाल नंबर सात, 15 नवंबर 2022 का भारतीय राज्य झारखंड ने अपना कौन सा वह स्थापना दिवस मनाया? ए 12वां, बी 20वां, सी 25वां, डी 22वां, उत्तर डी 22वां। सवाल नंबर आठ, हाल में ही बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सुनील शेंडे का कितने साल की उम्र में निधन हो गया? ए 75 साल, बी 65 साल, सी 70 साल, डी 88 साल, उत्तर 75 साल। सवाल नंबर 9, 15 नवंबर का कौन सा वह जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है? ए चौथा, बी पहला, सी तीसरा, डी दूसरा। उत्तर डी दूसरा। सवाल नंबर 10, 15 नवंबर का जनसंख्या से संबंधित कौन सा दिवस मनाया गया? ए डे ऑफ 08 बिलियन, बी डे ऑफ 02 बिलियन, सी डे ऑफ 09 बिलियन, डी डे ऑफ 07 बिलियन, उत्तर डे ऑफ 08 बिलियन।